ज़िमनी इंतखाबात मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुशावरती अमल मुकम्मल हो गया। आज राय के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट करने का फैसला किया है। पंजाब में 21 अप्रैल को कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 14 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। और इस हवाले से आपको बताया कि मुस्लिम लीग नून की जानब से मुल्तान की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया जाएगा, तहम बाकी तमाम नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी। मजीद बात करते हैं इस हवाले से ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल से। उमर, कहिएगा ज़िमनी इंतखाब से मुतलिक दोनों जमातों के दरमियान क्या तय पाया है? जी, 21 अप्रैल को पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, एक मुल्तान की सीट है और एक सीट लाहौर की है जहां मरियम नवाज शरीफ जीती थी। इसके अलावा सूबाई असम्बली के 14 हल्के हैं, जिसमें मजमूई तौर पर अगर लाहौर से देखा जाए तो लाहौर में 4 सूबाई असम्बली के हल्के हैं जहां पे इलेक्शन होने हैं। मजमूई तौर पर दोनों जमातों में मुशावरत का अमल मुकम्मल हो गया है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अब एक बार फिर इलेक्शंस के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और जो लाहौर की सीट है उस पर मुस्लिम लीग नून जो है उनको सपोर्ट मिलेगी पीपल्स पार्टी की, जबकि मुल्तान की जो सीट है जहां पे यूसुफ रजा गिलानी जीते और वो छोड़ के वो सेनेट में चले गए हैं, वहां पे मुस्लिम लीग नून जो है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी पंजाब भर में जो 2 कौमी असम्बली की और 14 सूबाई असम्बली के 16 मजबूत हलके बनते हैं, उनमें से सिर्फ एक हलके में मुल्तान वाले के ऊपर यूसुफ रजा गिलानी की जगह पे अपना उम्मीदवार खड़े करेगी, बाकी किसी जगह के ऊपर भी वो उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। हालिया हमने देखा जब सेनेट इलेक्शन हुए तो खवातीन वाली नशिस्तों के ऊपर फायजा मलिक साहिबा थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, लेकिन आखिरी मोमेंट के ऊपर उनके कागजात तो विड्रॉ नहीं हो सके थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको यकीन दिलाया था कि वो रिटायर तो सब्र की जाए पर हम आपको वोट देंगे, और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ही वोट दिया, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून के 5 सेनेटर जो है वो मुंतखब हुए और बाकी तो बिला मुकाबला सब मुंतखब हो गए। तो अब इस सिलसिले में दोनों जमातों ने मुशावरत मुकम्मल कर ली है और सैयद अली हैदर गिलानी जो यहाँ पे पार्लियामानी पार्टी के सरबरा भी हैं पीपल्स पार्टी के और यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे भी हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। और हाँ, मुस्लिम लीग नून जो है वो मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी वाली सीट के ऊपर पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल इस हवाले से आगाह।